आज हम अपनी शाही तलवार नहीं लाए हैं। लाए हैं? कहाँ है? और क्या क्या छुपा रखा है तहखाने में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे बॉलीवुड के हिट मशीन यानी कि अक्षय कुमार सर, जिनकी फिल्म के खिलाफ चली जा रही थी कई सारी साजिशें, पर दोस्तों उन सभी साजिशों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनकी फिल्म हाउसफुल 4 कर गई शानदार कलेक्शन और दोस्तों हेटर्स के मुंह पे मारा जोरदार तमाशा। तो दोस्तों आज इस फिल्म को हमारे बॉक्स ऑफिस पर लगे हुए को हो चुका है पूरा 1 वीक यानी कि पहला हफ्ता। और दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म ने अपने 7 दिनों में करा है कितने करोड़ का कलेक्शन और दोस्तों क्या बजट रहा है इस फिल्म का और कितनी स्क्रीनों पर इस फिल्म को लॉन्च करा गया है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बॉलीवुड और साउथ की और अक्षय कुमार सर की सभी फिल्मों की शानदार अपडेट पाने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज की तरफ। वेल फ्रेंड, अगर हम बात करें हाउसफुल 4 की, तो दोस्तों हाउसफुल 4 एक कॉमेडियन फिल्म है जिसके ऑलरेडी 3 पार्ट बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हाउसफुल 1, हाउसफुल 2 और हाउसफुल 3 और दोस्तों बन चुका है हाउसफुल 4 जो कि हमारे थिएटरों में चल रहा है। वहीं पर इस फिल्म में हमको काम करते हुए नजर आ रहे हैं बॉबी देओल, रितेश देशमुख, अक्षय कुमार, कृति खरबंदा, पूजा हेगड़े और कृति सेनन जैसे दमदार एक्टर। इसी के साथ में इस फिल्म को डायरेक्ट करा है फराज साम जी ने और फिल्म को प्रोड्यूस करा है साजिद नाडियावाला ग्रैंड सन्स ने। इसी के साथ में दोस्तों फिल्म का बजट लगभग 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और फिल्म को हमारे भारत भर में 4000 से भी ज्यादा स्क्रीनों पर लॉन्च करा गया है। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि फिल्म के शुरू के रिव्यू काफी शानदार निकल के आए थे, पर दोस्तों क्रिटिक के रिव्यू काफी बेकार निकल के आए थे। पर दोस्तों कहीं ना कहीं क्रिटिक्स को अपनी गलती का अंदाजा हो चुका है और दोस्तों इसी के साथ फिल्म भी काफी दमदार कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों अगर बड़े फिल्म के कलेक्शन की तरफ, तो फिल्म ने अपने पहले दिन की शानदार ओपनिंग ली 19 करोड़ 8 लाख रुपए की। इसी के साथ में इस फिल्म ने अपने पहले वीक में कमाए 53 करोड़ 22 लाख रुपए और दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते का शानदार कलेक्शन करा यानी कि 137 करोड़ 82 लाख रुपए का। वहीं पे इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन रहा 164 करोड़ रुपए का और इस फिल्म ने ओवर एसेस यानी कि विदेशी मार्केट से कमा लिए 31 करोड़ रुपए और इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 195 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों जहाँ पर फिल्म का बजट है 150 करोड़ रुपए और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट में 195 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया यानी कि दोस्तों फिल्म काफी जल्द सुपरहिट साबित होने वाली है। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि फिल्म लाइफ टाइम कलेक्शन कितने करोड़ का करेगी, 250 करोड़ या फिर 300 करोड़? हमें अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आप ये फिल्म देख के आ चुके हैं तो आपको फिल्म कैसे लगी और आप इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे? तो चलिए दोस्तों जब तक के लिए मैं अलविदा चाहूंगा आपसे इसे अपने अगली वीडियो के लिए। दोस्तों ध्यान रखिए अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।